इससे ये है भी चेक करने वाला मॉनिटर और इससे हम पल्स रेट भी चेक करते हैं। मेरी और इसकी ड्यूटी है गायनी वार्ड में, अभी हम जा रहे हैं गायनी वार्ड में। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो कि मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि आज कॉलेज वाली यूनिफॉर्म डाल के मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ GMC कठुआ, वहाँ पे हमारी लगी है क्लिनिकल ड्यूटीज़। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती है, ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स में। तो आज वहीं जा रहा हूँ मैं, तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा GMC कठुआ। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, तो रेडी होके मिलता हूँ आपसे। गाइस इसको देखिए कैसे घोड़े बेच के सोया हुआ है ये। सो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ का थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले पल्स पोलियो ड्यूटी का ब्लॉग दिखाया था बना के, ओके गाइस तो अभी मैं उतर चुका हूँ हॉस्पिटल और मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 9 बजने वाले हैं, तो मैं चलता हूँ अपने वार्ड में, फिर मिलता हूँ आपसे। जानते हो कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अंदर इन्फेक्शन का। गाइस ये अपना दोस्त है, हेलो कर दो। तो मेरी और इसकी ड्यूटी है गायनी वार्ड में, अभी हम जा रहे हैं गायनी वार्ड में, फिर अभी मिलता हूँ मैं ड्यूटी देने के बाद। जब ब्रेक टाइम मिल जाएगा फिर मिलेंगे हम आपसे। अभी हम आए थे वार्ड में, अभी हमें जो इधर की स्टाफ नर्स मैडम होती है उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाना सिखाए। ये है कुछ इस तरह से गायनी वार्ड, और पीछे स्टूडेंट्स हो और साथ में हमें बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया ना, वैसे हमने पढ़ा भी है। इस वैसे तो हॉस्पिटल में ऐसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती, मतलब आप अगर बिना परमिशन के वीडियोग्राफी करो, लेकिन मैम मेरी मैम्स को पता है कि जहाँ की जो स्टाफ नर्स है मैडम है उनको पता है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो इसलिए वो मेरे को कुछ नहीं बोलते। तो ये कुछ ऐसे चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, एंड ये हैं वार्ड्स, और हम यहीं पे सीखते हैं सारा काम। गाइस अभी कोविड के इतने केसेस आ रहे हैं, आप सब जानते हो कि कल भी पता नहीं 20,000 प्लस केस आया पूरे इंडिया में, और 50 प्लस लोगों की डेथ हो गई है। तो लोग ना छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके आ जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप भी कभी आपका कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो एज ए अटेंडेंट अगर आप भी आ रहे हो तो पूरे प्रिकॉशंस लेके आएँ, और साथ में बच्चों को अवॉइड करें यहाँ पर लाना। नहीं ब्लू में डलते हैं, एम्प्यूल्स वगैरह होते हैं जो उनके होते हैं ग्लास के होते हैं, एंड रेड में डलते हैं प्लास्टिक वेस्ट, और इसमें डलता है ब्लड कंटेमिनेटेड वेस्ट। पर देखो लोगों ने क्या किया। सो गाइस अभी थोड़ा फ्री हुए थे अंदर से, और मैं अभी आया हूँ बाहर चाय पीने। वो देखिए पीछे यहाँ पर चाय वाला टी स्टॉल है, तो यहाँ पर ना ये सबसे फेमस चाय मिलती है यहाँ की। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ चाय पीने, तो चाय पीने के बाद चलते हैं अंदर, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा रहता है आज का दिन। जैसे कि आप सबको पता है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन्स के कितने चांसेस होते हैं, तो मैम मेरे को अभी लेके जा रहे हैं कि मैंने मैम को बोला कि मैंने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेनी है, लगवानी है। तो अभी मेरे साथ जा रहे हैं मैम यहाँ के, एक मैम है तो वो जा रहे हैं लगवाने, तो पहले वो लगवाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो वैसे यार जिस मैम से लगवानी है वो वैक्सीन, वो वाली मैम है ही नहीं इधर, तो अभी मैम दूसरी मैम मेरे को बोल रहे हैं कि मैं उनको कॉल करती हूँ, और जब वो आएंगे तो फिर लगवा लेना, तो तब तक वेट करता हूँ। और अभी ना लंच टाइम हो गया, 12 बजे का टाइम हो गया, तो बाहर चलते हैं खाना वाना खाते हैं। मैंने लाया खाना, खाना पानी लेके बाहर चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर खाना वाना खाने, पीछे देख सकते हो आप कितना रश है यहाँ पे, और चलते हैं फिर बाहर कहीं अच्छे से माहौल में बैठ के खाना खाते हैं। बाकी यार यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है भाई, रश देखिए कितना रश है हॉस्पिटल में। तो गाइस अभी खाना वाना खा के फ्री हुआ हूँ मैं। अभी बाहर आया ना यार, तो ऐसा लग रहा है कि हवा इतनी चल रही है ना, तो थोड़ी सांस आई, नहीं तो जो गायनी वार्ड है ना वो इतना ज़्यादा पीछे जाके है ना यहाँ से, मतलब बंदे को ना सांस तक लेना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग, इतनी इन्फेक्शन, कोई हिसाब नहीं है। अभी बाहर थोड़ा 10 मिनट चिल करता हूँ, उसके बाद चलते हैं वार्ड में। फिर खाली हो गई थी, मैंने घर से पानी लाया था, तो बॉटल मेरी खाली हुई है,
तो यहाँ पे ना वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, यहाँ से भरते हैं पानी। बाहर जाने के बाद ना अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर खाना खाने के बाद मन कर रहा कॉफ़ी पीने का, तो यहाँ पे ना पास में नेस्कैफे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक घंटा अंदर लगाता हूँ, फिर मैम से पूछ के आऊँगा कॉफ़ी पीने। सो गाइस यार अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे का, और यार अभी ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, क्योंकि जब काम सीखना हो ना, जैसे कि जब नर्स मैम जाती है वार्ड्स में, तो काफ़ी देर खड़ा भी रहना पड़ता है, और काफ़ी देर मतलब देखना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है कि वो कैसे काम करें कैसे नहीं। तो यार पूरी एनर्जी लेवल ना ऐसे हो गया अभी। तो अभी मैं फ़िलहाल खाना खा के आया हूँ, तो अभी मेरे को बड़ी थकान लग रही है, पर अभी ना 1 बजे का टाइम है, और 1 बजे के बाद ना हमारी अटेंडेंस लगती है, ऊपर मैटरन मैम होती है ना जो हॉस्पिटल में, वो हमारी अटेंडेंस लेती हैं। तो अभी हम जाएंगे अटेंडेंस लगवाने, उसके बाद फिर से यहाँ पर आएँगे। ये शेड्यूल है बेड शीट्स के लिए, देखो मंडे एंड थर्सडे को ग्रीन होगी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को पिंक होगी, और वेडनेसडे एंड सैटरडे को ब्लू, संडे को वाइट। एंड ये कुछ चार्ज लगा पोस्टनेटल केयर के लिए, ये डिलीवरी के बाद मदर को कैसी केयर देनी है। एंड ये है मोनीटर बीपी वगैरह पल्स वगैरह चेक करने के लिए, ये कॉटन्स, ये सर्जिकल ग्लव्स, बिटाडीन, दोनों की साथ में लगी है ड्यूटी। तो हमने अभी क्या क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ। इंजेक्शन लगाना सीख लिए, आईवी वाटर चलाना सीख लिए, सैंपल लेना सीख लिए, कैनुला लगाना सीख लिया। तुमने क्या क्या सीखा? आयरन बनाना सीख लिया। अच्छा, और इंजेक्शन लगाने, मतलब मैक्सिमम काम सीख लिया है। तो गाइस आप सब जानते हो कि जुलाई अगस्त के महीने में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और कितनी कड़कती धूप होती है, तो ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकले होते हैं उन लोगों का एक ही सहारा होता है, वो है ये पेड़। जैसे कि आप देख सकते हो ये GMC के बाहर ये पेड़ जो लगा हुआ है, पीपल का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था तब का पेड़ है ये, उससे भी कई साल पहले का, जब हम छोटे छोटे थे तब से यहाँ पर आते हैं। तो इसी पेड़ के नीचे छाया में कितनी बार बैठे हुए हैं। तो गाइस ये है पेड़ों की वैल्यू, आप भी पेड़ लगाएं, अगर आज लगाओगे तो 10-20-30 सालों बाद वो किसी के लिए छाया बनेगी और वो आपको फिर दुआएं देंगे। तो देखिए ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग नहीं सोचते, हम उल्टा पेड़ काटते हैं, लगाने की तरफ फोकस नहीं करते। तो ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो पेड़ लगाना चाहिए यार ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी चलते हैं अभी हम अंदर। और भाई गर्मी कितनी है? बहुत है ना, बहुत गर्मी है यार, पसीने निकल गए हमारे तो। अभी हम ऐसे भी आए हैं थोड़ा बाहर, तो साथ में अभी हम अटेंडेंस लगवाते हैं, तो चलते हैं फिर अटेंडेंस लगवाते हैं मैटर मैम से, उसके बाद मिलता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं ना क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए, जिनकी क्लिनिकल ड्यूटीज लगी हुई हैं, उन सबकी अटेंडेंस कॉलेज वाले तो अलग लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर जो मैटर मैम है उनके पास अलग लगती है। तो कॉलेज वाली हमारी लग गई है सुबह से, अभी हम जा रहे हैं मैटरन मैम के पास अटेंडेंस लगवाने, अटेंडेंस लगवाते हैं फिर वार्ड में जाते हैं। फिर से खाना तो हमने खा लिया है, पर अभी यहाँ पे सुनने में आया है जिस मैम के पास हम अटेंडेंस लगवाने गए थे ना, तो सुपरवाइज़र मैम ने बताया कि यहाँ पे बाहर ना कहीं पे लंगर लगा हुआ है। भाई लंगर मतलब ऐसे खाने में नहीं, पेड़ तो पूरा फुल है, पर ऐसे लंगर नाम सुन के थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि लंगर का खाना कुछ अलग ही होता है आप सब जानते हो। तो देख आते हैं कहाँ पे लगा है, वैसे भूख नहीं है मेरे को, मन करेगा तो खाऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं खाऊंगा। ओन हॉस्पिटल प्लीज़ कीप इट पीपा। अभी हम बैठे हैं जो आगे नर्सिंग स्टेशन है, उसके पीछे जो दो बेड्स लगे होते हैं ना नर्सिस के लिए, वहाँ पे बैठे हैं अभी हम। यहाँ पे वैसे तो स्टूडेंट्स को बैठने नहीं देते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि बैठने देते हैं नहीं बैठने देते, पर जो हमारे इधर की स्टाफ नर्सिस हैं, जो मैडम हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। उन्होंने बोला कि अभी मतलब उन्होंने सारा कुछ सिखा दिया ना, जो जो भी प्रोसीजर होता है डे का, जो जो हमने सीखना होता है, जो जो हमने उनसे सीखना होता है, जो जो उन्होंने हमें बताना होता है कि ऐसे ऐसे काम करो, वो मैक्सिमम हो ही गया। अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है, आधा घंटा बचा है, तो बोलते 10 मिनट बैठ जाओ आप अंदर जाके। तो अभी मैं और ये भाई बैठे हैं इधर पंखे के नीचे बैठ के, उसके बाद जाएंगे हम फिर से बाहर इसके लेके। मेरे हाथ में पता नहीं कितनी इन्फेक्शन लगी होगी, फिर भी मैंने मास्क सैनिटाइज़र पूरा प्रॉपरली यूज़ करता हूँ मैं।
तो गाइस ये है बीपी चेक करने वाला मॉनिटर, और इससे हम पल्स रेट भी चेक करते हैं और एसपीओ भी चेक करते हैं। तो आज मैं खुद का बीपी खुद चेक करूंगा। ये ऑक्सीमीटर ये भी लगा दिया मैंने। आपने कोई बंदा देखा खुद अपना बीपी चेक करते हो? मैं खुद कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी कितना आता है मेरा बीपी। ये होना चाहिए 120/80, ये होनी चाहिए 95% से ऊपर, ये तो ठीक है मेरी। और ये होनी चाहिए 72-80 के बीच में, ये भी मेरी हाई है पल्स, और मेरा बीपी भी हाई आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम। ये हमारा वार्ड भी है जहाँ पे हम काम करते हैं, सीखते हैं मतलब क्लिनिकल। और यहाँ पे गायनी वार्ड में 3-4 रूम्स हैं, 3-4 वार्ड हैं, हम तीनों चारों में काम संभालते हैं हम। यहाँ पे अभी हमारा छुट्टी का टाइम भी होने वाला है, 2 बज गए हैं, तो 2 बजे हम चले जाते हैं। अभी 3-4 मिनट बचे हैं छुट्टी में, और अभी हम बैग उठाएंगे और घर को जाएंगे। जिस लंगर की बात मैं कर रहा था, अभी हमें छुट्टी हो गया, तो छुट्टी के बाद हम जा रहे हैं वो लंगर खाने। यहाँ से देखिए रश कितना, अभी हम थोड़े थोड़े खाएंगे यहाँ पे खाना। सो गाइस ऐसे भी मैंने दोपहर का खाना खाया जो घर चलाया था, तो वहाँ से मैं आ गया क्योंकि वहाँ पे ना इतना ज़्यादा रश है। तो छोड़ो पर है, अभी हम चलते हैं जब बाहर। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और बड़ा ज़्यादा थकान लग गई है आज यार, काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है। तो अभी मैं ना सीधा कपड़े चेंज करके बेड पे लेटूंगा, और साथ में थोड़ा चाय पानी देखेंगे। बाकी गाइस अभी रेस्ट करनी है 1-1.5 घंटा। और जैसे मैं घर आया तो मम्मा क्या कर रहे थे, मम्मा काट रहे थे आलू यहाँ पे बैठ के, बेड़े में बैठ के। आज व्लॉग की एंडिंग मैं नहीं करूँगा, आज मम्मा करेंगे। मम्मा बोलो वीडियो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो जैसा आपने देखा आज हॉस्पिटल में गया मैं, काम सीखा क्लिनिकल ड्यूटीज। तो अभी हमारी ना 3 मंथ्स के लिए क्लिनिकल ड्यूटीज लग गई हैं जीएमसी कठुआ में। अभी हम कॉलेज नहीं जाया करेंगे, हम जाया करेंगे एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज कठुआ में, वहाँ पे हम करेंगे क्लिनिकल ड्यूटीज वार्ड में जाके। जैसे हमने आज देखा वैसे ही काम कुम सीखेंगे, और जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो हम प्रैक्टिकली वहाँ पे अप्लाई करेंगे पेशेंट्स पे। तो बस अभी रोज़मर्रा लाइफ ऐसी रहेगी 3 महीने तक, तो बीच बीच में व्लॉग्स आते रहेंगे हफ्ते में 1-2। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।